हम लोग इस वक्त साबरमती हॉस्टल के अंदर हैं, जहाँ तोड़ फोड़ के वीडियोस आपने अब तक सोशल मीडिया पे देख लिए होंगे। हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि जो लोग यहाँ पे थे उस वक्त क्या हो रहा था। मैम, आपका नाम क्या है? मैं ज्योति हूँ, साबरमती की रेजिडेंट हूँ। और कौन से कोर्स में एनरोल्ड हैं आप? मैं रशियन सेंटर में हूँ। ओके, जब वायलेंस हुई तब कितना वक्त हो रहा था और आप तब कहाँ थी? 6:45 के आसपास टाइम था, मैं अपने रूम में थी। बहुत तेज़ों की आवाज़ शुरू हुई तो मैं बाहर निकली तो लोग लड़कियाँ अंदर भाग कर जा रही थी, तो मुझे समझ में आ रहा था कुछ हो रहा है। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी तोड़ फोड़ की, तो मैंने सबको बोल दिया, बाकी लोगों को, कि आप प्लीज़ अंदर हो जाइए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए। 10-15 मिनट बाद हम बाहर आए, 7:05 के आसपास ऐसा कुछ। तो बाहर आए तो हम यही थे, ये जो रास्ता देख रहे हैं ना गर्ल्स विंग, हाँ, ये हम यहाँ दाएं तरफ गर्ल्स विंग है और बाएं तरफ बॉयज विंग, तो यहीं थे। और हम बहुत सारे लड़कियाँ थे 10-15 के आसपास, और उधर से उसी के 1-2 मिनट बाद उधर से लोग आना शुरू किए। तो मैंने अपना मोबाइल खोल के वीडियो बनाने की कोशिश की। उसी टाइम में उसमें से एक बहुत बड़ा पत्थर उठा गया हमारा, मुझे, ठीक है। तो ओके, आप देख पा रहे थे कि ये जो लोग जिनके हाथ में डंडे वगैरह थे, जिनके हाथ में जो लोग अटैक कर रहे थे, वो लोग कौन थे? सही, मास्क लगाया हुआ था। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ। तो वीडियोज़ में ऑब्वियसली बहुत लोग हैं जिनको बाद में पहचाना जा सकता है, ऐसा नहीं है, मगर अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन टारगेटेड था एक्चुअली, सबके रूम पे नहीं हुआ है हमला, बेसिकली बात है। तो कैसे पिक कर रहे थे जो लोग हमला कर रहे थे? पता, मॉब कैसे पिक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन सबके रूम पे नहीं हुआ है हमला। अच्छा, ठीक है। और जो जब हमला होता था तब क्या क्या? स्टूडेंट है 51 रूम में, सूर्य प्रकाश नाम है, उसको बहुत बुरी तरह, उसका दरवाजा उसने अंदर से बंद रखा होगा, उसको खोल के उसको मारा है, उसके बाद उसे बोला है कि ये तो ब्लाइंड है, इसको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेगा। क्या लड़कियों के विंग को भी वैंडलाइज किया गया, आप लोगों के रूम्स को? हम लोग यहाँ खड़े थे उसके बाद, क्योंकि हमें लगा कि कितना टेरर में रहेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ आए और एक ह्यूमन चेन फॉर्म किए थे। उसी टाइम कुछ लड़कियों पर उन लोगों ने स्प्रे था, आई डोंट नो कुछ था, मेरे भी आँखों पर लगी थी जिससे जलन हो रहा था। इन सारे घटनाओं के बाद हमें पता चला कि यहाँ आने से पहले वो लोग टी पॉइंट पे अटैक किए थे हमारे प्रोफेसर्स पे, जिसमें हमारे जेएनयू के प्रेसिडेंट भी घायल हुई थी। उस घटना के बाद वो बहुत देर तक चला, करीब 7:15-7:30 तक चला, ऐसे बहुत देर तक चला। और हमने वार्डन को जाके बोला, वार्डन आने के लिए कोई नहीं आया बाहर। हमारी दो वार्डन आई, दो मैम आई, और जो दो अदर वार्डन हैं वो नहीं आए। अच्छा, पहली बार जब आप मतलब रीच आउट करती हैं अथॉरिटीज तक के, बताती हैं कि आपके हॉस्टल पे हमला हुआ है, तब आप सबसे पहली बार मदद कितनी देर बाद मिलती है आपको? बस हमें उसी 7:30 के आसपास हम तुरंत गए थे वार्डन से बात करने, और गार्ड भी नहीं था साबरमती में, कोई गार्ड भी नहीं था, और ये पहली घटना नहीं है। कई बार यहाँ के गार्ड गायब हो चुके हैं, कोर्ट हॉस्टल है, यहाँ गार्ड रहना बहुत ज़रूरी है। गर्ल्स सिक्योरिटी एक ऐसा जेएनयू कैंपस है जहाँ लड़कियाँ सेफ फील करती हैं, हमारे हॉस्टल के बाहर गार्ड नहीं रहता है, ठीक है। 3 बजे से 3:30 बजे से पुलिस कैंपस में मार्च कर रही होती है, लेकिन जब ये अटैक होता है पुलिस नहीं रहती है, और अटैक के जस्ट बाद पुलिस आती है। और जब हम बोल रहे होते हैं कि आप लोग कहाँ थे, तो पता है वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं कि इसका वीडियो बनाओ, ये बोल रही है, ये पुलिस बोलती है मुझसे। अच्छा, और ये अटैक कब रुकता है फाइनली? पता नहीं, बहुत देर, 9:30 बजे तक तो ऐसे ही हम लोग यहाँ बाहर में ही थे, बहुत सारे लोग थे, तो उसी के आसपास कभी रुका होगा बाकी दूसरे हॉस्टल से। अच्छा, एक चीज़ मुझे ऐसे इस बारे में पूछनी है कि जो मेरे पेशे के लोगों को यहाँ दिक्कत आती है, जब हम अंदर आने की कोशिश करते हैं, हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट किया कि आप हमें इस या उस गेट पर लेने आ सकते हैं क्या, तो उनका कहना था कि हम आ जाएंगे आपको लेने, लेकिन अगर मालूम चल गया, क्योंकि ये पता चल जाएगा ऊपर और फिर हमको पिक किया जाएगा। क्या ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि प्रेस से इंटरेक्ट करने के बाद में किसी स्टूडेंट को विचंट किया गया? ऑब्वियसली सब कुछ दिखाया नहीं जाता है, सब कुछ ऐसे एविडेंट इतना नहीं होता है, लेकिन पता चल जाता है। टारगेटेड जब चीज़ें होती हैं तो पता चल जाती हैं। जब हमारे गार्ड हमारे फीमेल स्टूडेंट्स को मारते हैं तो सीधा दिखता है। यहाँ के गार्ड हमारे फीमेल स्टूडेंट्स को 2 दिन पहले मारा है, 5:30 बजे सुबह में मारा है। क्या हुआ शाम को आज यहाँ पे? सर, मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने मास्टर्स यहीं से किया हुआ है। मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं साबरमती में रहता हूँ सर। और 4 बजे यहाँ पर एक मॉब आई और वो शोर मचाते हुए AVBP चिल्लाते हुए कुछ लोगों का नाम लेते हुए, और उन्हें वो मिले या ना मिले ये नहीं मालूम, बहुत शोर तेज़ी से और बहुत दौड़ मचाते हुए वो चले गए।
फिर 6:50 के आसपास मैं अपने रूम में लैपटॉप से पढ़ रहा था ईयरफोन लगा के, अचानक शोर शराबा हुआ और माँ बहन की गालियाँ देते हुए लोग अंदर आए और विंडो को तोड़ना और शीशे की आवाज़ आई, तो मैं अंदर से कुंडी लगा लिया। क्या आपने अंदर से उन लोगों से कुछ कहा? नहीं सर, मैं अंदर से कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे दरवाजे को उस समय नहीं पीट रहे थे। फिर मेरे बगल वाले दरवाजे पे जब हमला हुआ तो मुझे डर लगने लगा और मैं दहशत में आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे दरवाजे के ऊपर की विंडो को एक सरिये से मारा और वो विंडो का शीशा सीधे मेरे सर पे आके लगा। मैं सर पे हुडी का टोपी पहना हुआ था तो मुझे उससे मतलब चोट आई, लेकिन ब्लड का कुछ सीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने दरवाजे पे इतनी ज़ोर ज़ोर से लात और वो कुछ भी मार रहे थे और उससे दरवाज़ा टूट गया, कुंडी टूट गई और वो अंदर आकर मुझे सरिये से मारने लगे। मैं चिल्लाता रहा सर कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इतना कहते हुए एक बंदा कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये ब्लाइंड नहीं है। फिर एक कहता है नहीं 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 छोड़ दो। इतने में मेरे हाथों पर 2-3 सरिये लगे सर और ये पूरा मेरा स्वेलिंग हो रखा है। मैं अभी हॉस्पिटल से 1-2 घंटे पहले आया हुआ हूँ और पूरा ब्लाइंड, मतलब मैं कहते कहते में इतने में छोड़ो में ही मुझे चोट काफ़ी आ गई और जितने भी स्टूडेंट थे उनमें सब में के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी सर। वो क्या पहने थे, वो कैसे थे, किस रंग के थे, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन शराब की बदबू आ रही थी और नशे में व्यक्ति डर और दया दोनों को खो देता है। बिल्कुल निडर होकर निर्दयता से वो हमला कर रहे थे। ये कहते हुए वो निकल गए कि मैं इसकी नानी याद दिलाऊंगा, इन लोगों की नानी याद दिलानी है। कितनी देर तक ये चला? ये सर लगभग 15-20 मिनट तक चला है सर। ऊपर जाकर जोर जोर से शोर मचाना और वो लड़की लड़के चीख रहे हैं, विंडो के टूटने की आवाज़ आ रही है, पीछे शीशा गिर रहा है मेरे बालकनी में, और मतलब पूरा दहशत का माहौल। हम अंदर से हिल गए थे कि पता नहीं क्या होगा और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपके सामने सेफ होकर आपको ये बातें बता पा रहे हैं। जब ये सब हो रहा था और फिर इन्होंने आपको छोड़ा, उसके बाद भी क्या आपने हॉस्टल से आवाज़ें सुनी? क्या आपको बख्शने के बाद भी वो तोड़फोड़ करते रहे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें बख्शने के बाद ही वो तोड़फोड़ करते रहे और मैं सोचता रहा कि ये क्या हो गया। फिर एक बंदा खड़ा रहा मेरे गेट के सामने और कहता रहा कि ये ब्लाइंड है ना, पक्का है ना, पक्का ये ब्लाइंड है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा हो तो बताओ, इसे सबक सिखाएं। इस तरह की उनकी भावना थी और पता नहीं किसको टारगेट करने आए थे सर, ये नहीं पता चला कि वो लेफ्ट के हैं राइट के हैं। मैं वैसे भी सर इन चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ और आपको मेरा चेहरा कहीं नज़र नहीं आया होगा। कोई भी स्ट्राइक होता है मैं उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, मुझे अपने से और पढ़ाई से और दोस्तों से मतलब होता है और मैं पढ़ने आया हूँ। मेरा उद्देश्य राजनीति करना नहीं, पढ़कर कुछ बनना है। हम बन जाएंगे तो हम भी राजनीति कर लेंगे, हमें ऐसा लगता है सर। क्या अब आप इस कमरे में सेफ फील करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, मैं इस कमरे में बिल्कुल सेफ नहीं फील कर रहा हूँ। मुझे कॉल्स आई हैं कि मीडिया को तू ब्लाइंड है, यदि तू कुछ अपनी बातें बताएगा तो तुझे फिर हम कटघरे में ले लेंगे, तू इसलिए। क्या आप पहचान पाए उन लोगों को आवाज़ से? नहीं सर, आवाज़ से बिल्कुल वो पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि मारने वाला भी और कॉल करने वाला दोनों यूथ हैं और दोनों के अंदर डर बिल्कुल नहीं है सर, दहशत नहीं है। कितने बजे आपको फ़ोन आया होगा ये सर? मतलब समय अंदाज़ा एक मुझे दे दीजिए। 8 से 9 के बीच में ये मेरा फ़ोन है और ये फ़ोन आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको नंबर भी दिखा सकता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि अभी कुछ दोस्त हमारे बता रहे हैं कि आग लगा सकते हैं इस रूम में, इस हॉस्टल में, सॉरी रूम में नहीं, और हॉस्टल में लगेगा तो रूम में लगेगा ही। ऊपर जो एक लड़का है कश्मीर से वो है और उसके रूम में पूरा गैस वैस उसका पूरा फोड़ ओढ़ दिया है और पूरा मतलब कपड़े वपड़े उसके पूरे मतलब बर्बाद कर दिए हैं। रूम का सीन आप देख कर आए होंगे सर। सर आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा। अच्छा मिर्ज़ा। सर कौन सा, ये आप ही का रूम है? रूम नंबर 50 है, मेरा रूम है। और आप कौन से कोर्स में एनरोल्ड हैं सर? मैं एमए कर रहा हूँ पश्तो लैंग्वेज से। अच्छा, आज क्या हुआ आपके रूम में? हम लोग प्रेयर कर रहे थे यहाँ पे। कितने बजे की बात होगी? मगरिब की टाइमिंग है 5:30-6 के आसपास की। हम 4 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ के जैसे उठे तो बाहर निकले तो पानी लेने के लिए किसी ने बोला कि दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाओ, वो कुछ मोब आ रहा है मारने के लिए। तो हम पानी छोड़ के इसी डायरेक्ट अंदर आ गए अपने रूम में। तो हम 4 लोग थे यहाँ पे, चारों लोगों ने तो ये किया कि दरवाज़ा बंद करते हैं, दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा पकड़ लेते हैं।
वो लोग आए, नाम लिया बाकायदा, ये बोले कि उसी का रूम है। अच्छा, वो जानते थे कि आप इसी में रहते हैं? शायद जानते रहे होंगे। अच्छा। तभी तो मिर्ज़ा करके बोले कि मिर्ज़ा का रूम है ये, और कंटिन्यू आधा घंटा तक इसे तोड़ते रहे, और हम लोग इसे पकड़ के बैठे हुए थे दरवाजे को, लास्ट में पत्थर मारा, वो पत्थर वहाँ लास्ट में वहाँ पत्थर मारा, पूरा शीशा तोड़ दिया यहाँ ऊपर का। अच्छा। और जब जाने लगे यहाँ से, दरवाज़ा जो है बहुत मजबूत है, ये करे ऊपर से, जब वो लोग आ गए और ये बोले कि जो है कि चलो चलो हमें ताप्ती जाना, ताप्ती नेक्स्ट हॉस्टल हमारा, वहाँ जाना है। तो सर, ये आधे घंटे तक इन लोगों ने आपका कमरा खोलने की कोशिश की, क्या आपने मदद के लिए किसी को कॉल किया था उस टाइम? मदद के लिए हमने कॉल किया, हमारे दोनों हाथ फंसे हुए थे उसमें, फिर भी एक शॉर्ट वीडियो बनाया जो अंदर ही का जो तोड़ रहे थे गाली गुलूच, उसका हल्का सा बनाया था मैंने वीडियो। बाकी घर वाले से कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है, किसी ने बता दिया ऐसा परेशान है वहाँ पे कल, जबकि मेरी ट्रेन भी है घर जाने के लिए, मेरी भांजी उसको यहाँ इलाज चल रहा है यहाँ पर। और जो अंदर पत्थर आए और कांच टूटे, क्या क्या आपका नुकसान हो गया अंदर? नुकसान कुछ नहीं, यही है आपके सामने है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर शीशा यहाँ से लेके वहाँ तक कॉर्नर तक गया है, रॉड था उनके पास, बेलचा था पूरा लोहे का, उनसे उन्होंने तेज मारा वहाँ तक गया पूरा। तो हम लोगों को तो जिसका दरवाज़ा टूटा वो मार खाया। अच्छा। फर्स्ट फ्लोर से नीचे फ्लोर तक लोग कूदे हैं। अच्छा, कूदे भी हैं? कूदे हैं जान बचाने के लिए, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, तकरीबन 20 लोग मेरे हॉस्टल से गए हैं ट्रॉमा सेंटर एम्स में, उसकी लिस्ट है सबके पास। तो आप अभी भी मतलब आप इसी कमरे में रहना चाहते हैं, इसी हॉस्टल में, क्या आप सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो घर वाले कह रहे हैं बस भाग आओ, कल का टिकट है, अब मैं सेफ क्या? हम लोग जेएनयू में ये बोलते थे कि 12 बजे क्या 3 बजे लड़कियां अकेली पूरी रिंग रोड का चक्कर मार लें, कुछ नहीं होने वाला है, आज देख के तो भूल गए सब, क्या होगा अब हम रिंग रोड पे, क्या अब तो रूम में सेफ नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? फारूक आलम नाम है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ रशियन लैंग्वेज से यहाँ से। अच्छा सर, जब तोड़फोड़ की जब वीडियो सोशल मीडिया पे आने शुरू हुए, जब वो तोड़फोड़ हो रही थी, तब आप कहाँ थे? जी मैं उस टाइम की घटना बताने से पहले मैं एक मिनट में आपको पीछे ले जाना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि ये 70 दिनों से ये मूवमेंट चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमें यूनियन ने, जेएनयू ने एक कॉल दिया बायकॉट रजिस्ट्रेशन कि जब तक हमारा डिमांड पूरा ना हो तब तक हम रजिस्ट्रेशन बायकॉट करेंगे। तो कल जेएनयू हम लोग तमाम स्टूडेंट लोग हम लोग एसएल के आ गए और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के आ गए, हम लोग ये गेट लगा के हम लोग रोक रहे थे, स्टूडेंट से अपील कर रहे थे। उसी में क्या हुआ कि एबीबीपी के लोग और जो जितने प्रोफेसर्स हैं, जो आजकल क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके सत्ता में उनके मामू जी बैठे हैं, वो जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, वो तमाम लोग, वो फैकल्टी लोग मिलके और एवीपी के लोग मिलके वहाँ पर हमारे यूनियन आईसी को, उसको सतीश हमारा जो जनरल सेक्रेटरी उनको बुरी तरीके से मैन हैंडल किया और उन्होंने गेट को तोड़ फोड़ के अंदर घुसा। कल ये सब हुआ। उसके बाद आज क्या हुआ, दोपहर में एक लड़का, हम लोग वहीं बैठे थे, कोई स्कूल एसएल के आगे, कोई ट्रिपल एस के आगे, कोई एससीएस के आगे, हम लोग तमाम लोग बैठे थे। एक लड़का रूम से लाइब्रेरी जा रहा था, एड ब्लॉक में, साजिद नाम है उसका, एड ब्लॉक में उसको पकड़ के गाला पकड़ के मारा, थप्पड़, मोबाइल उससे छीन लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कितने बजे की बात रही होगी सर? एकदम एग्जैक्ट 2:30 बजे वो लंच करके जा रहा था। उसके बाद एक घटना और क्या हुआ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एक लड़का, राम नाम है उसका। कौन से ऑर्गेनाइजेशन से सर आप? मैं एनएसओआई से। आप एनएसओआई से? हाँ बताइए। हाँ, तो राम को क्या किया, उसने लाइब्रेरी से वो लौट रहा था, उसको पकड़ के बुरी तरीके से मारा। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग को जैसे पता चला तो हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए, फिर वहाँ से हम लोग गए, उसके बाद ये लोग इधर था, तो हम लोग उसको बोले भाई तुमने मारा क्यों। उसके बाद तो उसको वो क्या हुआ कि जब जेएनयू से आया सब वहाँ से भाग के आ गए पेरियर। अब देखिए शुरू होता है पेरियर से घटना, पेरियर में हम लोग सब वहाँ, मतलब क्योंकि मैंने ये बात इसलिए भी पूछी क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें लोग वो वीडियो चला, मतलब उस वीडियो में नजर आ रहा, लोग कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे थे जहाँ मारपीट हुई। हाँ। क्या ऐसा हुआ था? उसके बाद क्या हुआ, शुरू हुआ पेरियर से, क्या हुआ कि पेरियर के मतलब क्या ऐसा हुआ कि जो लोग रजिस्ट्रेशन के जा रहे थे उनके साथ मारपीट हुई, क्या आपकी जानकारी में है ये बात? हाँ, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे जब तक हमारा डिमांड्स पूरा नहीं हो जाता है, जब तक फी तो क्या फोर्सिबली रोका गया किसी को रजिस्ट्रेशन से? नहीं, किसी को नहीं, केवल जेएनयू की तरफ से अपील था। हम लोग ने रात में भी एक पीसफुल मार्च निकाला, हम लोग ने जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील किया कि वी विल बायकॉट दिस रजिस्ट्रेशन, दिस फर्जी रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बायकॉट टिल आवर डिमांड्स आर मेट, ठीक है। कि उस
कई सारे वीडियोस में लोग ये कह रहे हैं कि हमें करने नहीं दे रहे थे। हाँ फिर पेरियार पे थे आप? हाँ, उसके बाद पेरियार में क्या हुआ कि एबीवीपी वाले वहाँ से भागे, एड ब्लॉक से डंडा उंडा लेके, रेड उड लेके, और घुसे पेरियार। पेरियार में क्या कहते, जितने ये नॉन एबीवीपी थे, मतलब एबीवीपी के अलावा जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उनको पकड़ पकड़ के उनको मार रहे, समझे, मार रहे थे लिटरली। उसके मतलब बाद क्या क्या उस केओस में ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी कि किस किस को पिक करके मारा जा रहा है? बिल्कुल, वो क्योंकि देखिए जो पेरियार में रहता है उसको पता है कि किस रूम में कौन किस ऑर्गेनाइजेशन के लोग रहते हैं, तो चार पांच लोगों को बुरी तरीके से मारा। उसके बाद जब सब जब पेरियार में जमा हुए तो सब लोग क्या कहते हैं पेरियार के अंदर घुस गया और गार्ड को लेकर लॉक कर दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से मूव करके यहाँ पर, हमारा जेएनयू का पीस मार्च था, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सब आए। यहाँ जैसे इकट्ठे हुए, यहाँ इकट्ठे होकर मुझे लग रहा आधा घंटा टॉक चला था। इसी बीच में कोई डी ब्लॉक में, कितने बजे की बात है सर? ये शाम के 7:30, ठीक है, 7:30 बजे, 7:30। कोई कुछ लोग टी पॉइंट में थे, कुछ लोग साबरमती में थे, चाय पी रहे थे। अचानक से 250-300 के तादाद में एकदम हॉकी स्टिक, लंबा लंबा रड और लाठी लेके वहाँ से एकदम भारत माता की पता नहीं कौन माता है इन लोगों का, उस माता लेके दूसरे के बेटा को, ठीक है, वहाँ से नारा लगाते हुए आया और द बार्ज इनटू द साबरमती हॉस्टल एंड बीटन द स्टूडेंट हूएवर दे गॉट। और क्या हुआ, हर एक ग्लास को तोड़ा, जितने भी ग्लास है, विंडोज है, उसको तोड़ा। गाली तो मत पूछिए ऐसी ऐसी क्या एक, जब ये सब हो रहा था, एक विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, उसका रूम में घुस के उसको मारा। अच्छा, उसको पता नहीं था कि ये कौन है, उसको मारा बुरी तरीके से, उसका ये 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 फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद वहाँ से लौटा ताप्ती में, ताप्ती में भी वो वैंडलिज्म किया, तोड़फोड़ किया, फिर नर्मदा में तोड़फोड़ किया। उसके बाद फिर इधर उधर स्केटर होके, अभी हम लोग अभी भी अनसेफ हैं, हमें पता नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। सर, जब ये सब हो रहा था, जब तोड़फोड़ हो रही थी, तब क्या आप लोगों ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की? हाँ, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, पुलिस के रहते हुए पुलिस यहाँ पर 5 बजे से है, पुलिस अंदर कैंपस के, SHO और ACP के प्रेजेंस में 15-20 पुलिस ऑलरेडी entered this campus into the civil dress. They already were there. आपने देखा था? Yeah, I saw them in front of Periyar Hostel. They were standing there. ठीक है, in the protection of the police, they have beaten us. ठीक है, this is how horrible and terrific. You can understand. उसके बाद क्या हुआ कि जब जब स्टूडेंट निकल रहे थे अंदर से, तब फिर ये लोगों ने एक क्या कहते हैं गेट में भी वही भारत माता की जय श्री राम, क्या है ये, क्या मजाक है, कभी आप जामिया को तोड़ रहे हैं, कभी जेएनयू को तोड़ रहे हैं, कभी तो और ये सब कब रुकता है सर? हाँ, ये कब रुका, तोड़फोड़ रुकी कब? नहीं तो रुकी लगभग कितना, ये शुरू किया 7:30 बजे और लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग हॉस्टल से निकल पाए। एक बार निकले हिम्मत करके, उसके बाद फिर से इधर से क्या कहते पूरा चिल्लाने की आवाज आई कि फिर आ रहे हैं। और जिन लोगों माफ कीजिएगा, जिन लोगों को चोट लगी उनके लिए एम्बुलेंस कितने देर बाद पहुंची? नहीं, एम्बुलेंस तो हमारे यहाँ पर तो 2 ही एम्बुलेंस है हेल्थ सेंटर में, वो भी एक कभी कभी पंक्चर ही रहता है ऑलमोस्ट, तो जो जितना उनका कैपेसिटी था, क्योंकि एक दो में ले गए, हाँ उसमें वो ले गए, लेकिन हमने लोगों को चोट आई होगी सर? देखिए मैं कितना बार पुलिस को कॉल किया हूँ, एटलीस्ट 50 times आई मेट आई कॉल टू दिल्ली पुलिस, दे नीदर दे पिक माय कॉल, नीदर दे एनी रिस्पोंड टू माय कॉल। बाकी लोगों ने भी किया होगा आई गेस? हाँ, उस बहुत लोग ने, मैं अब जिस रूम में था मैं तो डर, कौन से रूम में थे सर आप? मैं तो साबरमती में उस विंग में नहीं भागा था, मैं तो डर से लड़कियों के रूम में गया था ताकि इधर वो नहीं आए, लेकिन लड़की के विंग में भी घुस के उन लोगों ने पूरा तोड़फोड़ किया। आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, साबरमती हॉस्टल का ये हालत था, हाउ टेरिफिक, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, मतलब जब वो याद आ रहा है ना अंदर से, मैं बिल्कुल सही में बहुत डर लग रहा है, वो सीन जब याद आ रहा है ना, आप देखिए, आप खुद एक बार जाके देखिए, आप तभी समझ पाएंगे एक्चुअल में हुआ क्या है। ग्लास का टुकड़ा इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा बड़ा हो गया, इतना मारा है लोगों ने, ठीक है, साबरमती के एंट्रेंस से लेकर अंदर तक, बाथरूम, टॉयलेट रूम, हर का रूम, क्या है ये? अच्छा, वो बताते हैं वैंडलिज्म। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, आपने लगातार इस पूरे वैंडलिज्म के पीछे एबीवीपी का नाम लिया है, और हमने सोशल मीडिया पे जो वीडियोस देखे थे सब में मास्क कम से कम यहाँ तक लगा हुआ था, मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो लोग थे वो एबीवीपी के थे, अगर थे तो? कौन जो मार रहे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे? अच्छा, वो बस उसको इस चीज से जान लीजिएगा कि आप एक सर्वे कर लीजिए कि जेएनयू में कितने स्टूडेंट हैं और कितने लोग उस टेरर से डरे हुए, आपको पता चलेगा 99% इस कैंपस के स्टूडेंट एबीवीपी को छोड़ के उस टेरर से डरे हुए हैं। तो अगर स्टूडेंट सब डरे हुए हैं तो डेफिनेटली कौन होगा वो मारने वाला? कोई आउटसाइडर ही होगा,
कोई बाहर ही होगा, और ये पूरा प्लानिंग थी इन लोग की। जैसे जामिया में जो पैटर्न देखा आपने, एमयू में देखा सेम पैटर्न में, और ये जेएनयू वाले नहीं चिल्लाते हैं भारत माता लेके तो कम से कम लोगों को नहीं मारते हैं, समझे? आपके डंडा मारेंगे पीछे और वो भारत माता की जय। जेएनयू वाले इतना, जेएनयू वालों के दिल में नहीं है, जेएनयू वाले इतना नहीं कर सकते हैं कि आप जय श्री राम लेके, जय श्री राम के नाम पे आप किसी को मार रहे हैं, महिलाओं को एकदम मैन हैंडलिंग कर रहे हैं, ये जेएनयू वाले नहीं कर सकते हैं। दे हैव ऑलरेडी क्राइड भारत माता की जय, जय श्री राम, पता चल जाता है भाई साहब की मोदी के सेना आ रहा है, ये जग जाहिर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये एक इनकी बात आपको एक आइडिया देती है कि उस टाइम कि वो जो जेएनयू में वायलेंस हुई आज शाम को या कल रात की शाम को, उसकी टाइमलाइन क्या थी, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, और फाइनली हम उस समय तक पहुंचते हैं जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है और जब ये वीडियो शूट हो रहा है। जेएनयू से कैमरा पर्सन जेरी के साथ मैं हूं निखिल, देखते रहिए dilarantop.com।